सर ACS बेसिकली 6 इवेंट से कोशिश कर रही है एमेच्योर सर्किट और एमेच्योर फाइटर्स को और एनहांस करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए। पहले हम ये इवेंट एक ही जगह पर कराते थे और एक ही जगह पर आउटडोर होता था, बट दिस टाइम दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी इन तालकटोरा स्टेडियम, और स्टेडियम में हम कुछ और प्रो स्टाइल फैसिलिटीज़ अरेंज करने वाले हैं। सो जो भी एमेच्योर फाइटर्स इसमें आने वाले हैं, दे विल डेफिनेटली गोना सी के ये किसी भी मतलब आई शुड नॉट से बिग वर्ड्स, बट ये किसी भी प्रो लीग से या प्रो इवेंट से कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स इन एमेच्योर। इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसके बारे में? टर्म्स एंड कंडीशन सर, हमने अभी बताया कि हमारी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल परफॉर्मेंसेज जो हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं, वो रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फाइटर इंजर्ड हो, कोई इंजरी हैपन हो, कोई करियर रुके किसी फाइटर का, तो हम उस पॉलिसीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज़ कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, आपको घूसे लात मारने आते हैं, मोस्ट वेलकम टू बी एमएमए। ACS इज एमेच्योर कॉन्टेंडर सीरीज, सो ये एमेच्योर के लिए ही है। सो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो यही था कि एमेच्योर्स को राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। मोस्टली ये इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले ये जिम्स के अंदर होता था, तो नोबडी इज गोइंग टू यू नो डू इट इन अ प्रॉपर केज, प्रॉपर एरिना नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी। तो इवन मेरे टाइम पे भी जब मैं फाइट करता था तो इट्स इन इनडोर, और जो केज भी रहता था दैट वाज लाइक 14x14, घुसते के साथ ही ख़त्म हो जाना वो चीज़। तो आप क्या लड़ोगे, क्या परफॉर्म करोगे, क्या स्किल्स परफॉर्म करोगे, सो वो सारे जो फेसेस हैं जो हमने अपने टाइम पे देखे हैं या हमें नहीं वो फैसिलिटीज़ मिले, तो ACS वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रणव भाई मैम एंड अदर इन्वेस्टर्स, अदर स्पॉन्सर्स, सो वी आर ब्रिंगिंग लॉट मोर प्रो स्टाइल एम्बियंस एंड प्रो स्टाइल स्टैंडर्ड्स टू एमेच्योर सर्किट। बिकॉज़ ऑफ मीडिया यू नो लाइक मेनी पीपल यू नो दे लाइक्ड इट एंड दे केम टू नो अबाउट द फिल्म, एस्पेशली अबाउट नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म, इवन अबाउट मीरा आर्या जी के बारे में, बिकॉज ऑफ यू पीपल, बिकॉज ऑफ मीडिया पीपल हैव स्टार्टेड गूगल सर्चिंग अबाउट मीरा जी ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है देश के लिए और स्वतंत्र के लिए। थैंक्स टू यू ऑल, आपके वजह से इवन माई फिल्म हैज़ बिकम वेरी फेमस। अभी ये मेरा सौभाग्य है कि लाइक हम लोग ये ऐसा अच्छा सिनेमा हमारा देश के लिए एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैनी पीपल दे डू कमर्शियल फिल्म, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई हैव डन मैनी कमर्शियल फिल्म, आर्ट फिल्म एंड सोशली इशू बेस्ड सिनेमाज, वो सभी अभी देश के लिए हम मेकिंग अ पेट्रियाटिक सिनेमा, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एंटायर टीम इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि ना हम लोग रहे ना रहे ऐसा सिनेमा एंड देशभक्ति और नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सिनेमा लाना ही है। तो धन्यवाद है आप सभी को। कुछ के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट फिलहाल 2-3 चीज़ें हम ये बोलेंगे कि मेरी भी फिल्म अभी एक जो आ रही है ऑन टूर, उसका नाम फिडेलिटी है। उस फिडेलिटी की स्टोरी भी यही है, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं वंडर वुमन की तरह। इट्स अ साईफाई फिल्म एंड हाउ दिस मिशन हैज़ कनेक्टेड मी एज अ प्रेजिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन हैज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट यू नो यूथ टुडे, as she said, we are living in dark times, Kaliyug. There is so much toxic energy, distraction, pain, trauma, difficulties and challenges we all are facing. इन सब को झेलने की क्षमता और शक्ति भी हम सब में ही है। जो अवतार आए, जो राम, जो भी ये महाभारत की बात करें, ये सब इंसान के रूप में आए और इन्होंने अपनी वो शक्ति को टैप किया, इसलिए वो लोग सुपर हीरो बन गए। मेरा मैसेज यूथ को ये है बोलना कि ये शक्ति, ये सुपर पावर हम सबके अंदर है, बट वो टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी अंदरूनी कमजोरियाँ और वीकनेसेस और लैक को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, आई थिंक ये एक डायमेंशन खुल जाना चाहिए अब लाइफ में। हम लोग खुद गर्ल्स होके सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ देख रहे हैं, और आप जब फिट हो जाते हो, जैसे आपने मुझे फिट बोला, मुझे देख कर लोग मोटिवेट और इंस्पायर होंगे। तो ये इंस्पिरेशन सबके अंदर खुद आ जानी चाहिए कि मुझे, क्योंकि मैं एक मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मुझे फिट नहीं रहना है।
बट मुझे मेंटली फिजिकली स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, ताकि मैं जहाँ काम करूँ, कंपनी में काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, कुछ भी काम करूँ, उस हर चीज़ में मैं अपनी 100% दे पाऊँ. और वो मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं पीसफुल हूँ. एम एम ए ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ फोकस एंड क्लैरिटी इन लाइफ विच यूथ इज डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ. प्रैक्टिस लाइक दिस इज मैंडेटरी इन आर लाइफ. दिस शुड बी अ मैंडेटरी स्कूल प्रोविजन. आई होप दैट टुमारो इन फ्यूचर वी कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस कंपल्सरी कोर्सेज फॉर वेमेन टू लर्न सेल्फ डिफेंस एंड एट द सेम टाइम एम्पावर अदर पीपल विद दिस प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. माई मैसेज टू यूथ इज दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द एरा, दिस इज द टाइम लाइन वेयर वी ऑल हैव टू इम्प्रूव आर सेल्फ physically, mentally, emotionally, spiritually to become that higher power energy. And kalari paitu is a wonderful art form. Yes. You know, the fighting, it's not just fighting. As you said, it is a healer. And also it entertains like, and also it motivates so much of energy from inside. Yeah. So even I'm a kalari paitu. So she understands because so MMA. Understand. It's a beautiful art form. एंड जस्ट टू एड वन मोर पॉइंट टू योर MMA के बारे में ही हम स्पोर्ट्स और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता क्या होता है मार्शल आर्ट्स का, कि आपकी स्थिरता बढ़ जाती है. तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस रोज आते हैं, फाइनेंशियल, रोमांटिक, पॉलिटिकल, घर में, हर इन अंबानी से लेके ब्रैडली कूपर, ऐश्वर्या राय के घर में 100 चैलेंजेस होते हैं, बट इन चैलेंजेस को लड़ना ग्रेस से विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है. MMA का इफेक्ट पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होता है बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं इस प्रैक्टिस से. तो ये आपके एनर्जी सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है आई थिंक, एंड आई होप वी कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू देम. जो स्पॉन्सर है तो जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, दैट इज द वेराइटी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर व्हेन वी पुट टुगेदर, सो इट turns out to be this MMA. So Visa Board is a company which is engaged into a different variety of services for all the visa consultants across the India. So जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको out of country जाना है, तो उनको university SOB चाहिए, visa file SOB चाहिए, उनको assistance जो है जो file के submission के अंदर चाहिए. So there are lot of phases when there is a point कि किसी को जब यहाँ से अब्रॉड जाना है, तो ये जो सारे phases है उसके अंदर जो है वीज़ा बोर्ड का एक्सपर्टाइज है, तो उसके चलते then we connected to this board और फिर हमने ऐसा सोचा कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे. आर्ट फॉर्म टू द नेक्स्ट लेवल. एज आई वॉज डिस्कसिंग विद प्रणव जी, आफ्टर वंस दे फिनिश द इवेंट हियर इन दिल्ली, देन दे वॉन्ट टू टेक इट टू इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि हर एक देश में हमारा इंडिया का ये सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाना है, स्पेशली एनर्जेटिक आर्ट फॉर्म्स, नॉट जस्ट डांस, संगीत, वो सभी इसको भी नेक्स्ट लेवल को लेके जाके दे वांट टू डू इट इन डिफरेंट कंट्री लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, इसलिए दैट्स हाउ दिस आल्सो कनेक्टेड हिज कंपनी. आई टोल्ड यू मिशन यही है कि हम सी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते हैं कि इंडियन का फाइटर जो है वो इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा है या वहाँ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट अभी रिसेंटली एक इंडियन फाइटर ने प्रूव कर दिया है दैट ही कैन, यू नो, नॉट ही कैन बट इंडियंस कैन बीट, यू नो, एनीवन. ही इज़ अ वॉरियर. सो आई वुड लाइक टू नेम हिज, ही इज करेंटली आई थिंक फाइटिंग इन फेब्रवरी इन रोड टू UFC. तो UFC में शायद पहला फाइटर होगा जो फिनाले तक गया है. And his name is Anshul Jubli. And I'm very glad and very proud to say this because मैं Anshul Jubli के कई fights में official रह चुका हूँ. And I know his potential and he's definitely gonna, you know, see, winning and lose is not in our hand. But definitely if he enters the cage in finale, he shows what Indians are capable of. He definitely gonna do that. आवाज निकलनी चाहिए. I think वो निकल रही आज energy and we will make sure that so many positive things happen through this. सर बहुत एक्साइटेड है और बहुत प्रेशर भी है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है. वी वांट टू यू नो एस्टैब्लिश, जो लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने भी वैसा ही किया जैसे बाकी लोग करते हैं. सो प्रेशर भी है एंड एक्साइटेड भी है. मल्ल युद्धा अगर आपने सुना होगा संस्कृत में, बेसिकली वो इंडियन आर्ट ही है. कलरी पयट्टू इज इंडियन. कलरी पयट्टू को अगर आप देखेंगे तो कलरी पयट्टू से ही मार्शल आर्ट्स निकले. कोई भी मार्शल आर्ट आप नाम लो,
वो कलरी पयट्टू से ही निकला हुआ है, राइट। सो इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हो रहा है। मलयुद्धा इज अगेन द सेम थिंग, आप इसको एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब रेसलिंग होता था तो उसमें स्ट्राइकिंग भी होती थी, पर्टिकुलर मलयुद्धा में, एंड उसमें ग्रैपलिंग भी होती थी, मतलब लॉक ये सब, क्लिंचिंग एंड ऑल ये सब होता था, राइट। और नहीं तो आप महाभारत भी उठा लेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है इसका, तो भीम और दुर्योधन के बीच में फाइट हुई थी, तो क्या आप उसमें सिर्फ रेसलिंग देख रहे थे? कहीं नहीं लिखा हुआ, इट्स ऑल ऑल इट्स मेंशन देयर, आप अपने बुक्स उठा के देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन है। तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्सेप्ट ही है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसको सक्सीड नहीं कर पाए, एंड सक्सीड ये इंडिया से बाहर हुआ है, इस चीज़ को आई एग्री एंड आई से दिस। ओलंपिक तक अभी तक तो एमएमए का नहीं पता है कि क्या सीन बनेगा, लेकिन ओलंपिक में एमएमए नहीं है, ओलंपिक इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग डिफरेंट डिसिप्लिन। तो हाँ हमारा ये प्लान ज़रूर है कि हम अलग अलग मार्शल आर्ट डिसिप्लिन को भी प्रमोट करें आने वाले फ्यूचर में। जैसे अगर आप पकड़ के चलें कि बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग में अगर कहीं लगता है हमें कि वो सही प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी कैन प्रमोट इट, देन डेफिनेटली वी विल एंटर इन। रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है, और एमएमए में ये सबको मिक्स करते हैं, इसलिए उसको एमएमए बोलते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। तो एमएमए आई डोंट थिंक सो ओलंपिक विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स अ ब्लड एंड स्वेट गेम, सो ओलंपिक में ब्लड अलाउड नहीं है, सो ये एक अलग गेम हो जाता है। बट हाँ इंडिविजुअल डिसिप्लिन को हम आगे चल के प्रमोट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बारे में हम सोचेंगे।